प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, आज हम एक टॉपिक लेते हैं कि जब हम पूजा करते हैं, भगवान जी के मंदिर में जाते हैं, तो अपना सिर क्यों ढकते हैं। अब पूजा के समय सिर ढकना जरूरी क्यों है, इसी पे बात करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में नायक, उपनायक तथा खलनायक भी सिर को ढकने के लिए मुकुट पहनते थे। आपने जितनी भी कथाएं सुनते हैं उनमें मुकुट देखते हैं। यही कारण है कि हमारी परंपरा में सिर को ढकना स्त्री और पुरुषों सबके लिए अवश्य किया गया था। सभी धर्मों की स्त्रियां दुपट्टा या साड़ी के पल्लू से अपना सिर ढक कर रखती थी। इसीलिए मंदिर या किसी अन्य धार्मिक स्थल पर जाते समय या पूजा करते समय सिर ढकना जरूरी माना गया था। पहले सभी लोगों के सिर ढकने का वैज्ञानिक कारण था। दरअसल विज्ञान के अनुसार मनुष्य के अंगों में सबसे संवेदनशील स्थान होता है, वो है ब्रह्मरंध्र, सिर के बीचों बीच स्थित होता है। मौसम के मामूली से परिवर्तन के दुष्प्रभाव ब्रह्मरंध्र के भाग से शरीर के अन्य अंगों पर आते हैं, असर करते हैं। इसके अलावा आकाशीय विद्युतीय तरंगें खुले सिर वाले व्यक्तियों के भीतर प्रवेश कर क्रोध, सिर दर्द, आँखों में कमजोरी आदि रोगों को जन्म देती हैं। इसी कारण सिर और बालों को ढक कर रखना हमारी परंपरा में शामिल था। इसके बाद धीरे धीरे समाज की ये परंपरा बड़े लोगों को या भगवान को सम्मान देने का तरीका बन गई। साथ ही इसका एक कारण ये भी है कि सिर के मध्य में, यहाँ टॉप पे देखो, ये क्राउन हेड, ये जो है सारा सहस्रार चक्कर होता है। पूजा के समय इसे ढक कर रखने से मन एकाग्र बना रहता है, इसलिए नग्न सिर भगवान के समक्ष जाना ठीक नहीं माना जाता है। ये मान्यता है कि जिसका हम सम्मान करते हैं या जो हमारे द्वारा सम्मान दिए जाने योग्य है, उसके सामने हमेशा सिर ढक कर रखना चाहिए। इसलिए पूजा के समय सिर पर और कुछ नहीं तो कम से कम रुमाल ढक लेना चाहिए। इससे मन में भगवान के प्रति जो सम्मान और समर्पण है उसकी अभिव्यक्ति होती है। और दोस्तों, आपने वैसे ही देखा होगा, जितने भी जगराते होते हैं या सिख भाइयों के सत्संग होते हैं, सब लोग सिर ढकते हैं। तो इसलिए सिर ढकने से वैज्ञानिक लाभ भी है और शरीर को बहुत फायदा होता है, क्योंकि जो हमारा ब्रह्मरंध्र है वो ठीक रहता है। इसीलिए सिर को ढकते हैं और ढकना चाहिए। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो।